फोटो सारा चिंगी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है राजस्थान से। किशनगढ़ बांध क्षेत्र के अशोक मेघवाल हत्याकांड मामले में प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए श्री राम किशन मेघवाल प्रदेश महामंत्री एसपी मोर्चा भाजपा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण गुरुदेव की जय हो इसी बात के चलते सभी बीजेपी कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय में उपस्थित हुए और न्याय की गुहार लगाते हुए एक गरीब परिवार के बेटे की हत्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन भिवाड़ी एसपी को सौंपा। इस मौके पर उपस्थित रहे पूर्व किशनगढ़ विधायक रामभेद यादव, पूर्व तिजारा विधायक मामन सिंह यादव, किट्टू प्रधान, जिला महामंत्री आदि लोग उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए देखिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसमें FIR हुई, उसमें मोर्चरी में वो डेड बॉडी रखी है और बहुत सारे किशनगढ़ के लोग इसके अत्याचार के खिलाफ मुलजिमों को पकड़वाने के लिए धरने पर बैठे हैं। मैं हमारे जिलाध्यक्ष बलवान जी, मामन सिंह जी, हमारे DK यादव जी, T2 प्रधान जी, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। SP से कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वास्तव में ये मर्डर है तो अपराधियों को पकड़ना चाहिए और जो नियमानुसार जो पैकेज है उनको मिलना चाहिए। उनका परिजन का कहना है कि हमको नौकरी मिले, पैसे मिले, तो जो एट्रोसिटी में जो कोई मर्डर या डेथ होने की पोजीशन में जो 8 लाख मिलते हैं उसमें से जो 8 लाख राशि उस परिजन को मिलना चाहिए। सबसे बड़ा जो हमारा आने का भाव है कि यहाँ पर सुरक्षा का मसला है, उनके परिजनों को कोई धमकाए नहीं, किस तरह से टॉर्चर नहीं करे, उनको पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था दिलाए, जैसा हमारा SP ने हमको आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष जाँच कराएंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे और उनके परिवार की जान माल की रक्षा की जाएगी। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है जो किशनगढ़ में कल एक बोल रहे हैं कि जो शव मिला था संदिग्ध परिस्थितियों में उसको लेकर, तो उन्होंने क्या बातें रखी है, पुलिस उसमें क्या कार्रवाई कर रही है? परिवार का जो एक ज्ञापन था उसकी अधिकतर बातें जो है वो जैसे मैंने पहले पूरी कर दी थी। SIT का गठन किया जा चुका है और मुकदमा 302 IPC हत्या में दर्ज किया गया है, उसी हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन DY के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं और जो आर्थिक सहायता के मामले वो कलेक्टर साहब ने जो नियमानुसार जो उनको दिया जाता है कंपनसेशन, उसके लिए उन्होंने स्वीकृति भी जारी कर दी है, वो उनके खाते में सब आ जाएगा और उनकी सुरक्षा की जो मांग थी वो सुरक्षा हम उनकी करेंगे। परिवार इसकी हर तरह से हर पहलू से जांच की जाएगी, इसलिए एडिशनल SP लेवल के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जाँच कराई जा रही है, SIT बना करके और स्थानीय जो है डिवाइस की जारी करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कब तक इसमें अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी तक जो अलामत आए हैं उस हिसाब से हम दोनों हर पहलू पे इसकी हम जांच कर रहे हैं, एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो भी संदिग्ध पूछताछ की जा रही है। इसमें FSL की टीम को भी हमने अलवर से बुलाया था, पोस्टमार्टम भी हमने मेडिकल बोर्ड से कराया है, तो हम हर पहलू पे इसकी। एक महिला का नाम भी बार बार ले रहे हैं, कल भी इन्होंने कहा है। हाँ, एक महिला का नाम भी इन्होंने लिया था, उसके परिवार वालों से भी हमने पूछताछ की, मैं खुद भी गया था वहाँ, मैंने भी पूछताछ की, हर पॉइंट से लेकर के इसका दूसरा भी पानी बनाया।